Assalamu alaikum, viewers, and welcome to my channel Study Law with Pushtra. So, in today's video, we are going to discuss the topic of Section 7 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So, let's move towards the discussion. सेक्शन सेवन ऑफ टीपी टू सेक्शन सेवन बेसिकली हमें क्या बताता है कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी कौन से ऐसे बंदे हैं जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़े आपको याद होगा लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती और कौन सी नहीं हो सकती आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि कौन से बंदे कॉम्पिटेंट है यानी किसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कौन बंदा इतनी सलाहियत रखता है लॉ के अंडर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है सो so, ये सेक्शन सेवन बेसिकली हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता है कि एक बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है सो जनरली सेक्शन सेवन क्या कहता है कि हर बंदा जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है यानी कि हर बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है लेकिन उसको दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है वो कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर के लिए लेकिन वो कौन सी दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको फुलफिल करनी है ये सेक्शन उन कंडीशंस, उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता रहा है कि अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कॉम्पिटेंट हैं ट्रांसफर के लिए सबसे पहली बात सबसे पहली कंडीशन जो कि सेक्शन सेवन बता रहा है वो क्या है ये जनरली मैं आपको बता रही हूं सेक्शन से हट के ताकि आपको इजीली समझ आ जाए ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है वो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के लिए भी कॉम्पिटेंट है अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 12 सॉरी uh, सेक्शन 11 में बेसिकली हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था वो उस सेक्शन uh, पर मैंने वीडियो अपलोड की भी है ऑलरेडी अगर आप चाहें तो आप उसको जाकर देख सकते हैं सेक्शन सेवन बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स बता रहा था जिनको फुलफिल करते हुए एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स को रिकॉल करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले As, उस सेक्शन 11 के अंदर हमें तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी ऐसा पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट सबसे पहली बात के ही मस्ट रीच द एज ऑफ मेजोरिटी वो एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंचा हो अब डिफरेंट सेक्शन सॉरी डिफरेंट लॉस के अंदर ये एज ऑफ मेजोरिटी जो है यह डिफरेंटली बताई हुई है कुछ के अंडर एज ऑफ मेजोरिटी एटीन बताई हुई है कुछ के अंडर ट्वेंटी वन बताई हुई है कुछ में सिक्सटीन बताई हुई है सो ये वेरी करती है एज ऑफ मेजोरिटी लेकिन सिंपली यहां एज ऑफ मेजॉरिटी से क्या मुराद है कि कोई भी ऐसा बंदा जो माइनर नहीं है यानी वो मेजर है माइनर से क्या मुराद है अब माइनर बंदा सात साल का बच्चा उसे तो नहीं पता उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है चीजों को समझने के लिए सो एज ऑफ मेजोरिटी का होना लाजमी है सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है दैट द पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड कोई भी ऐसा बंदा जो साउंड माइंड है अब यहाँ साउंड माइंड से क्या मुराद है कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि वो चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सके वो अनसाउंड माइंड ना हो यानी कि उसमें चीजें समझने की सलाहियत नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता So, अगर हम सेक्शन 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें बताया हुआ है कि वो बंदा साउंड माइंड है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है एंड ही इज कैपेबल ऑफ इस सेक्शन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें फॉर्मिंग आ रेसनल जजमेंट यहां रेशनल जजमेंट से क्या मुराद है अब वो चीजों को अंडरस्टैंड करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके अकॉर्डिंग अपना एक ओपिनियन बिल्डअप कर सकता है एक जजमेंट दे सकता है उन चीजों को समझते हुए तो अगर कोई ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रेक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा इसी तरह अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को तो वो ट्रांसफर भी वाइड कंसिडर होगी ये दूसरी कंडीशन है कॉम्पिटेंसी के लिए थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास इफ अ इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट अगर लॉ ने उसको डिसक्वालीफाइड करार दे दिया है उसको डिसक्वालिफिकेशन के अंडर डाल दिया है कि नाउ दैट पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड इन अब यहाँ डिसक्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं कि अगर एक बंदे को कोर्ट ने इन सॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है वो दिवालिया है पागल है कोई ऐसा बंदा तो ऑब्वियसली वो तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकता उसको तो कुछ पता ही नहीं है कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया लॉ ने उसे डिक्लेयर कर दिया इनसॉल्वेंट सेकेंडली एन एलियन एनिमी इज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अब यहाँ एलियन एनिमी से क्या मुराद है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंट्री का कोई सिटीजन किसी दुश्मन मुल्क के सिटीजन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी एनिमी कंट्री के सिटीजन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्यों क्योंकि लॉ ने उस बंदे को डिसक्वालीफाइड कर लिया है सो so, ऐसा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता ये तीन कंडीशन है कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कॉम्पिटेंसी के लिए सेकेंड कंडीशन फॉर दी कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो क्या है दैट अ पर्सन मस्ट हैव टाइटल टू द प्रॉपर्टी और ऑथोराइज टू ट्रांसफर इट यहाँ टाइटल टू द प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि उस बंदे के पास प्रॉपर्टी की ऑनरशिप होनी चाहिए एक ऐसा बंदा जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है वो ही अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है अगर आपके पास जस्ट पोजेशन है ऑनरशिप नहीं है तो पोजेशन के रहते हुए आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी पर जस्ट आपका कब्जा है आपकी मलकियत नहीं है यानी कि अगर आपका टाइटल होगा आपकी ऑनरशिप होगी तभी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो अदरवाइज आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो अब जो इस सेक्शन में बात की गई है ट्रांसफर की तो यहाँ ट्रांसफर में क्या क्या चीजें आती है कौन कौन सी ऐसी ग्राउंड्स uh, हैं जिनको हम ट्रांसफर में इंक्लूड कर सकते हैं सबसे पहली चीज है सेल यानी कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच देते हो आपने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को दी और इन रिटर्न दूसरे बंदे ने आपको कुछ पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन तो ये चीज क्या है यानी आपने पोजेशन के साथ साथ ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दी उस प्रॉपर्टी पर आपका टाइटल था तो ये चीज आज आ गई ट्रांसफर में पहली चीज के आप सेल के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो सेकंड आता है हमारे पास थ्रू मोडकेज अब मॉडगेज में क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने मॉडगेजर मॉडगेजी को अपना आ, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है और उसके बदले उससे कोई कर्ज ले रहा है तो यह भी एक तरह की ट्रांसफर आ गई है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा दिया है थर्ड लीज और मॉडगेज टोटल सेम है लीज में क्या होता है कि जस्ट आपने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी की जगह मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम किसी दूसरे बंदे को दे दी है और इन रिटर्न आप उससे कंसिडरेशन ले रहे हो उस प्रॉपर्टी के बदले तो ये भी हमारे पास क्या है एक तरह की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एक काइंड है के थ्रू लीज आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो फोर्थ आता है गिफ्ट नाम से ही जाहिर है आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो किसी को तोहफा दे रहे हो इसमें क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को दे रहे हो लेकिन इन रिटर्न ना आप उससे किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे बल्कि एक तोहफे के तौर पर आपने अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप उस बंदे को ट्रांसफर कर दी फिफ्थ हमारे पास आता है एक्सचेंज एक्सचेंज भी एक तरह की सेल ही है हमारे पास लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है कि आप चीज के बदले कोई चीज ले रहे हो यहाँ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं होता जैसे आप प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ले रहे हो आपने गाड़ी दिया उसके बदले आप उससे आ, कोई घर ले रहे हो यानी एक्सचेंज हो रहा है सो ये ट्रांसफर की कुछ काइंड हैं जो कि सेक्शन सेवन में बताई गई है कि इस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है अब अग, अगर हम सेक्शन सेवन को एज अ होल देखें तो सेक्शन सेवन में सिर्फ दो बातें की गई हैं यानी Every person is authorized and competent to contract and entitled to transfer the property or authorized to dispose of the transferable property. यानी कि सिंपल क्या कहा गया है इसमें कि हर वो बंदा जो कॉम्पिटेंट इनफ है और जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल मौजूद है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है वो ट्रांसफर एज अ होल भी हो सकती है और इन पार्ट भी हो सकती है अब ये जो ट्रांसफर एज अ होल और इन पार्ट हुई है ये एब्सोलूट भी हो सकती है यानी विदाउट एनी कंडीशन उसमें किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी गई आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो या फिर कंडीशनली आपने उस पर कोई कंडीशन लगा दी गई है कोई कॉन्टिंजेंसी है ट्रांसफर के लिए तो वो आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो सो so, ये था सेक्शन सेवन के अंदर दो बातें यानी के कॉम्पिटेंसी और टाइटल जस्ट आपने ये याद रखना है सो दैट वॉज दी होल डिस्कशन ऑन सेक्शन सेवन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एटी टू आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू अल्लाह हाफिज